आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और ये भारत सरकार के द्वारा निकाला गया है। थोड़ा सा पद कम है लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं एक सीट कंफर्म करना, आप में है जज्बा है जुनून, तो आप इस फॉर्म को जरूर डालें। देखिए इसमें योग्यता सैलरी क्या है, किस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो फॉर्म को डाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले बता दें योग्यता जो है आपका सिविल इंजीनियर या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। समय नहीं बर्बाद कीजिएगा, जो सिविल इंजीनियर से आते हैं या उनके पास समकक्ष डिग्री है वो इसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है फैशन डिजाइनिंग का या कोई कोर्स किए हुए हैं, कोर्स का अर्थ हुआ कि समाज सेवा नहीं लेंगे, फैशन डिजाइनिंग का हो गया या एग्रीकल्चर में हो गया या मतलब इंजीनियरिंग से ड्राइंग वगैरह में भी यदि आपका है ड्राइंग में तो आप कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स एंड कल्चर में भी है ड्राइंग वगैरह में तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आयु सीमा 21 से लेकर 27 तक, उसके बाद यदि जनरल में आते हैं तो 21 से 27 ओबीसी में आते हैं तो आपका सबसे जिस तरीका से भारत सरकार का छूट मिलता है उसी तरीका से यानी 3 साल 5 साल जो छूट मिलता है आपको मिलेगा। सैलरी की बात करें तो 44,900 लेकिन अनाउंस अनाउंसमेंट सब कुछ मिला के आपका हो जाएगा ये 60,000 के करीब में। लेकिन पद की जब बात करेंगे तो यह मात्र पद की संख्या इसमें 9 है। यदि तिथि की बात करेंगे तो आप 5/3/2022 से ये 4/4/2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप बी में आएगा और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर, तो ये यदि आप सिविल इंजीनियर किए हुए इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय में यानी जल संसाधन गंगा संरक्षण विभाग में निकला हुआ है। इसका विज्ञापन संख्या यदि बात करेंगे तो 09/2022 है। यदि यूआर की पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें 4 पोस्ट है, ओबीसी की बात करेंगे तो 3 पोस्ट है, एससी की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की तो 1 पोस्ट आप भर सकते हैं। यदि आप इसके इलिजिबल आते हैं, इलिजिबल है, योग्य है तो आप भरे, मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ। यदि एग्जाम टूर पर पहली बार है तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें।